गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट में हमने साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम आगे का हमने फर्स्ट टॉपिक 1.1 देख लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम टॉपिक 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स करेंगे। ओके सो फर्स्ट हम रिविजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किस बारे में हमने बात की थी, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन मनुष्य को यानी ह्यूमन को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सभी को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलते हैं। कोई भी हम काम करते हैं सो उसकी एनर्जी हमें इस सभी न्यूट्रिएंट्स जो हम खाने में से लेते हैं उससे मिलती है। सो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सो आप देखेंगे कि आप आगे के फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में आप पढ़ गए होंगे कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमें फूड में से मिलता है। सो ये सब एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते थे, न्यूट्रिएंट्स। ओके सो इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के दो मोड कौन से थे उसके बारे में भी हमने बात की थी। सो फर्स्ट था ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड था हिटरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी प्लांट्स और एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू सिंपल सब्सटेंसेस, तो ऐसे न्यूट्रिशन के मोड के ऑटोट्रॉफिक हम बुलाते थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड ऐसे एनिमल्स को क्या बुलाते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स। उसका एग्जांपल था प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं सो उसे हम ऑटोट्रॉफ्स बुलाते थे। देन हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो खाना दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अपने खाने बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, सो ऐसे न्यूट्रिशन के मोड के मोड को क्या बुलाते थे, हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे एनिमल्स को क्या बुलाते थे, हिटरोट्रॉफ्स। सो उसमें हमने देखा था कि एनिमल्स एंड अदर ह्यूमंस ये सब हिटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल थे, एंड ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल में क्या था, प्लांट। ओके सो अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। सो अब हम फोटोसिंथेसिस की जो उसकी पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो टॉपिक 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Leaves है वो क्या है, food factories है plants की, क्योंकि वहाँ पर food बनता है। Food factory मतलब जहाँ पर food बनता है। Okay? So leaves जो है वो plants की food factories है, क्योंकि वहाँ पर food बनता है, खाना बनता है। Therefore all the raw materials must reach the leaf. इसीलिए सभी जो रॉ मटेरियल्स है उसे कहाँ तक पहुँचना चाहिए, लीफ तक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। सो सोइल में यानी जमीन में जो भी वाटर है एंड मिनरल्स है यानी पोषण तत्व है, ये सभी क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचना। सो जमीन में जो भी वाटर एंड मिनरल्स है उसे ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ तक पहुँचना चाहिए, लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन पेज नंबर 2। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है आपको, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन CO2। ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है वो टाइनी पोर्स के थ्रू लीव्स के सरफेस तक पहुंचता है। सो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, इसके थ्रू एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव के सरफेस तक पहुंचता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इसे अंडरलाइन कर देना। लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लीफ के सरफेस तक पहुंचता है। सो ऐसे जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के इसके
पोर्स के सराउंडिंग में यानी पोर्स के आजू बाजू में गार्ड सेल्स होते हैं। सो ऐसे छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बुलाएंगे? स्टोमाटा। वॉटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वॉटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स यानी वॉटर कंडक्टिंग टिश्यूज, ऐसी टिश्यूज मतलब पेशियाँ। सो ऐसी पेशियाँ जो वॉटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करके यानी उसका वहन करके उसे रूट तक ले जाएंगी, लीव्स तक ले जाएंगी। बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वॉटर एंड मिनरल किसके थ्रू अब लीव्स तक पहुँचेंगे? आपने देखा कि वॉटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक हमें पहुँचाना है क्योंकि लीव में क्या होता है, लीफ में खाना बनता है। सो अब वॉटर एंड मिनरल्स सोइल में से लीफ तक कैसे पहुंचते हैं? सो वेसल्स के थ्रू। वेसल्स जो होती है वो कैसी होती है? पाइप्स की जैसी होती है। सो वो रूट में से मिनरल्स एंड वॉटर्स लीफ तक ट्रांसपोर्ट करती है यानी उसका वहन करती है, उसे पहुंचाती है। थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। सो ये पूरा एक पैसेज बनाती है, एक पाथ बनाती है, पाथ मतलब एक रास्ता बनाती है जिससे लीफ तक मिनरल्स एंड वॉटर्स पहुँचते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। सो इसे हम क्या बुलाएंगे? वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। सो इसके बारे में हम डीपली 11 चैप्टर 11 में बात करेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सो इसे अंडरलाइन कर देना। ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, उसे हम क्या बुलाएंगे? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। सो ये क्या करता है क्लोरोफिल, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सो सनलाइट में से जो एनर्जी होती है उसको वो कैप्चर करता है, कौन? क्लोरोफिल। इस एनर्जी को फिर क्या होता है, खाना बनाने में यूज होती है ये एनर्जी। टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना, तैयार करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। सिंस सिंथेसिस is of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि photosynthesis क्यों इसे बुलाया जाता है? क्योंकि sunlight की मदद से खाना बनता है, sunlight की मदद से खाना synthesis होता है यानी prepare होता है। photo मतलब light and synthesis to combine or to prepare, इसीलिए इसे क्या बुलाया जाता है? photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So हमने देखा कि photosynthesis जो process है उसमें क्या क्या ज़रूरी है, chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, ये सभी उसके बहुत ही important elements है। It is a unique process on the earth, the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसे अंडरलाइन कर देना, यहाँ पर आपको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है फिर भी एक बार अंडरलाइन कर देना कि सन जो है वो सभी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मेन सोर्स क्या है? सन। ओके, अगर सन नहीं होता तो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, अगर प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते तो प्लांट्स ग्रो नहीं होते, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होते तो फिर हमें खाना कहाँ से मिलता? जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, वो एनिमल्स नहीं खाते। सो अगर प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते तो हमें प्लांट्स खाने को नहीं मिलते, इसलिए जो चेन है फूड की वो टूट जाती, ब्रेक हो जाती, इसलिए सन है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये एक बार रीड कर लेना अच्छे तरीके से, और मैं होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगी, उसे आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज में से फाइंड करके उसके आंसर आपको लिखने हैं एंड रिमेम्बर करना है। ओके, बाय।